कितने अमेजिंग, सॉरी ये हाथ पता नहीं किस काम का है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज दीपांशु। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड फन वाली होने वाली है, क्योंकि हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं वर्सेस वाला चैलेंज, जिसमें हम रखेंगे हमारे बहुत पुराने स्केच पेंस जो हम बचपन से यूज़ करते थे, एंड कॉस वो भी बहुत पुराने हैं जो हम सेकंड लेने वाले हैं, वो होने वाले हैं क्रेयॉन्स अप्सरा के। सो हम देखेंगे कि दोनों से कौन सा आर्ट पीस बेटर बनता है। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत अमेजिंग होने वाली है। एंड अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से जल्दी, ताकि आपको मेरे चैनल की वीडियोस एकदम टाइम पर फटाफट मिलती रहे। बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें। सो चलो जल्दी से, सो चलो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास किस तरह के क्रेयॉन्स हैं। सो ये हैं हमारे अप्सरा के क्रेयॉन्स, जिसमें से बहुत सारे खो भी चुके हैं और कुछ की हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। और ये हैं हमारे स्केच पेंस जो आप देख सकते हैं इनके कलर्स कितने वाइब्रेंट हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया था। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इनकी टेस्टिंग करेंगे छोटे से पेपर के पीस पर, देख लेंगे कि कैसे चल रहे हैं बैक्स क्रेयॉन्स की हालत थोड़ी सी टाइट है, लेकिन हम देखेंगे। एंड बॉस हमारे स्केच पेंस बिल्कुल लाजवाब रखे हुए हैं। ऐसे बैक्स क्रेयॉन्स जो हैं वो बहुत पुराने भी हैं, इसलिए उनकी हालत कुछ ऐसी है, और ये थोड़े नए हैं। और हमारी टेस्टिंग ख़त्म हो जाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी कलाकारी। एक ले लेंगे हम थिक वाइट पेपर सीट, एंड उस पर हम रैंडम से पैटर्न्स बना देंगे। सबसे पहले उनके आउटलाइन बना देंगे, देन हम उसमें कलर करना स्टार्ट कर देंगे, अभी नहीं धीमे धीमे। स्टार्ट करेंगे हमारे प्यारे रेड कलर के साथ, हम इसमें डिफरेंट पैटर्न्स बनाएंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट एंड अमेजिंग थिंग जो हमारे आर्ट पीस की होने वाली है वो ये कि किसी भी तरीके से आप कलर कर सकते हैं। अगर इसमें वाइट स्पेसेस भी रह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम आर्ट पीस ही ऐसा अमेजिंग बनाने जा रहे हैं जिसमें आपकी कलाकारी खूब निखर के आने वाली है। और कुछ जगह पर हमारे स्केच पेन काम नहीं कर रहे थे, तो उनके अंदर का मलबा निकाल के हमने कलर किया है। एंड कलर हो जाने के बाद ये कुछ इतना ऐसा लगेगा, और कितना अमेजिंग है ये, जस्ट लुक एट दिस। और अब हम चलेंगे हमारी कलाकारी की ओर, दूसरी वाली, जिसमें मैं ब्लैक स्केच पेन से बहुत सारे डिफरेंट बोटैनिकल आर्ट पीसेस बनाता जाऊंगा। बोटैनिकल बोले तो रिलेटेड टू पेड़ एंड पौधे, बहुत सारे पेड़ एंड पौधे बना देंगे डिफरेंट टाइप्स के। एंड जस्ट लुक सिंपल एंड कितने अमेजिंग है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सरल है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग भी तो है ना, एंड बहुत ही डेकोरेटिव भी है, बहुत ही कलरफुल भी है, एंड सो मच। यहाँ पर मैंने बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स बनाए हैं, जिसके मैंने स्पायरो जायरा अभी जो मैं बना रहा हूँ, उससे पहले मैंने कारा बनाई थी। ये दोनों एल्गी हैं जो इंस्पायर्ड हैं, ऑफकोर्स दे आर प्लांट, देन सम अदर एल्गी आप देख सकते हैं। और भी हम ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की पत्तियाँ बना देंगे। एंड आप लोग देख ही रहे होंगे एक चीज़ कि यहाँ पर चीज़ें कितनी सिंपल एंड कितनी यूनिक बनाई जा रही हैं, जस्ट इन द ब्लैक एंड अ वाइट कलर। वाइट यू कैन से नॉट ब्लैक, उसका बैकग्राउंड वाला कलर तो आ ही रहा है। और ऐसे ही हम बहुत सारे सिंपल फ्लावर्स भी बना देंगे, जैसे कि मैंने चेरी ब्लॉसम बनाए हैं, और ये कुछ आई डोंट नो ये कैसे हैं, बट ये कुछ स्पॉट जैसे लग रहे हैं ना फ्लावर्स। और देन फिर से हम लीव्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। लीव्स की तो बहुत सारे वैरायटी बनाने वाले हैं हम यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी यूनिक लीव्स पाई जो जाती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी हम बहुत सारे बनाने वाले हैं। एंड लुक, अब ये है हम एल्स्टोनिया की लीफ बना रहे हैं, आई थिंक वो पूरी एक लीफ ही होती है, वर्ल्ड जो होता है ना। और देन हम स्टार्ट कर रहे हैं सबका फेवरेट सनफ्लावर बनाना। आई डोंट नो कि आपका फेवरेट है या नहीं, बट ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सनफ्लावर के पेटल्स हम बना देंगे, रे फ्लोरेट्स वी कैन सी देम। और उसका सेंटर वाला पार्ट स्लोली हमारा सनफ्लावर कंप्लीट होता जाएगा। एंड जस्ट लुक, ये कितना अमेजिंग एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम छोटी सी क्यूट सी कली भी बना देंगे इसकी, क्योंकि सनफ्लावर कली के बिना बेकार लगेगा ना यार, वाओ कितना अमेजिंग है। और अब ये कुछ डिफरेंट काइंड की फिर से लीव्स बना रहे हैं, ये थोड़ी सी रैंडम है आप देख सकते हैं, बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं इंस्पायर तो होंगी ही होंगी पक्का, क्योंकि अब जो हम देख रहे हैं वही हमारी मेमोरी में होता है ना इस वजह से। सो अब हम बना रहे हैं कैक्टस।
ओ यू नो कैक्टस, अगर नहीं तो देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड बहुत ही ज़्यादा डैम स्वीट बनने जा रहा है ये हमारा प्यारा कैक्टस। इसका जो प्लांटर होगा उसको हम पूरा कलर कर देंगे ब्लैक कलर से, और कितना अमेजिंग लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल भी है। और यहाँ पर हम बनाएंगे एक मैरीगोल्ड का फ्लावर, जो शायद आपको ना दिख रहा हो लेकिन दिख रहा होगा ध्यान से अगर आप देखें तो, क्योंकि मैरीगोल्ड भी बहुत अमेजिंग लगते हैं, यू नो गोल्डन गोल्डन येलो येलो कलर। एंड उसकी लीफ भी बना देंगे, एंड इसके बाद कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स, तो आप देख ही सकते हैं ना कितना अमेजिंग ये आर्ट पीस लग रहा है। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे आर्ट पीस की ओर, जो हम बनाएंगे हमारे बैक्स क्रेयॉन से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे फिर से एक थिक पेपर पर, वाइट पेपर सीट लेकर गए, उस पर कलाकारी जिसमें दो डिफरेंट बैक्स क्रेयॉन्स को लेंगे और किनारे पर हम अच्छे से लगा देंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे हम सबके चाइल्डहुड फेवरेट रोज फ्लावर को, जिसको बचपन में हमारा हमेशा तोड़ने का मन हुआ करता था, आई थिंक मेरे बच्चों में तो ऐसा होता था। और ये कितने स्लोली एंड कितने ब्यूटीफुल इनके कलर, कितना ज़्यादा लाइट पिंक है और ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। सो जल्दी जल्दी से हम बना देंगे रोज़ के फ्लावर्स, सबसे पहला ख़त्म करने के बाद दूसरा, एंड ऐसे ही हम एक और बना देंगे। एंड ये कितना अमेजिंग प्रोसेस है, कितना स्लो है, हमें बस ऐसे ही आड़ी तिरछी लाइंस बनानी है। इसके बाद इनकी लीफ को हम बनाने जाएंगे, जो कि हम बना भी देंगे, और कितने ब्यूटीफुली बना रहे हैं आप तो ये देख ही सकते हैं। और भी छोटी सी लीव्स बनाएंगे, क्योंकि यू नो रोज़ की जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी यू नो ग्रुप में भी होती हैं, तीन तीन लीव्स, सो हम वो भी बना रहे हैं, सिंगल लीव भी हमने बनाई है। तो ऐसे ही हम बहुत सारी लीव बना देंगे। प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा रियली बहुत ही ज़्यादा सरल है, आप बहुत ही अमेजिंगली बना सकते हैं। एंड फिर से हम ये डॉट डॉट वाले फ्लावर्स बना देंगे जो हमने पहले वाले आर्ट पीस बनाए हैं, और यहाँ पर इनका कलर कितना अमेजिंग है ये तो हम कह ही नहीं सकते, आप तो देख ही रहे होंगे। अब बनाएंगे हमारे ऑरेंजेस फुल ऑफ विटामिन सी, जो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश भी करता है, ये खाने के लिए नहीं है बनाने के लिए है, उसका एक छोटा सा पीस भी बना रहे हैं। सो जल्दी जल्दी से हम इसमें अप्लाई कर देंगे, फिल कर देंगे हमारे ऑरेंज कलर को अच्छे से। असल में ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो मुझे इन क्रेयॉन्स को अच्छे से प्रेस करने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये हमारा इसका पीस भी कलर हो गया, और जो दूसरा वाला ऑरेंज है उससे भी हम कलर कर देंगे, और कितना अमेजिंग लग रहा है, वाओ इसके तो क्या ही कहने। हाँ ऑफ कोर्स स्केच पेन जैसा टेक्सचर एंड ब्राइटनेस नहीं है, बट स्टिल दी इट लुक्स सो अमेजिंग। अब नाउ हम बनाएंगे स्माइलीज, स्माइलीज ऑल टाइम फेवरेट स्माइलीज, येलो विद सो मैनी एक्सप्रेशंस, आप देख सकते हैं कितने ने ब्यूटिफुल लग रहे हैं। और ये लास्ट वाला जो मैं बनाने जा रहा हूँ ना, ये है हमारा सबसे स्मार्ट वाला स्माइली, जो होने वाला है चश्मे वाला, एंड जस्ट लुक कितना रॉकी काइंड ऑफ लग रहा है। और हम थोड़ा सा सहारा लेंगे ऑफ कोर्स ब्लैक पेन का, एंड ये भी कंप्लीट होने वाला है। लास्ट में बनाएंगे एक और फ्रूट, जो होने वाला है गुआवा, जो आई थिंक यू ऑल्सो लव दैट। और हम छोटी सी लीफ भी बना देंगे, एंड इट इज़ ऑल्सो डन। सो ये भी हमारा आर्ट पीस कंप्लीट हो चुका है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इन दोनों में से जो हम दिखा रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा आर्ट पीस सबसे अच्छा लगा। प्लीज़ तब तक लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।